विधानसभा चुनाव के लिए सपा से चिल्लू पार, विधानसभा से प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी, शहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी सुभावती शुक्ला, सहजनवा विधानसभा से सपा प्रत्याशी यशपाल सिंह रावत तथा चौरी चौरा विधानसभा से सपा प्रत्याशी कैप्टन ब्रिजेश चंद्र लाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन किया, जिसके संबंध में चिल्लूपार विधानसभा के सपा प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी ने बताया कि विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के जो नौजवान है वह समाजवादी पार्टी के साथ है। वही चौरी चौरा विधानसभा के सपा प्रत्याशी कैप्टन ब्रिजेश चंद्र लाल ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई शिक्षा उच्च क्वालिटी की शिक्षा नया इंटर कॉलेज खोले जाएं, व्यवसायिक कॉलेज खोले जाएं और उसके बाद उनको रोजगार की व्यवस्था भी मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चिल्लूपार विधानसभा के सपा प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी एवं चौरी चौरा विधानसभा से सपा प्रत्याशी कैप्टन ब्रिजेश चंद्र लाल ने कहा। अरे प्रणाम 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 क्या हाल का प्रणाम सबके प्रणाम भैया भैया किसी किसी तो है इनके हाथ से सर थोड़ा सही देखिए सर वो करना है बताओ चोरी चोरा यही है अभी आपका टाइम है उसको हटा दीजिए एक मिनट हटा दीजिए नहीं हटाने होते ये सर सैनिटाइजर की याद कर दीजिए विकास के मुद्दे हैं और समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र 3 दिन पहले जारी कर दिया है। उन्हीं मुद्दों पे हम लोग सब चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के जो नौजवान हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आए और समाजवादी पार्टी आज उनको रोजगार देने का काम करने जा रही है। खासकर आईटी के सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात समाजवादी पार्टी ने कही है। इसके साथ साथ जो लोग और लोग हैं जो उनको है उनको भी रोजगार देने की बात कही गई है। स्थानीय विकास के मुद्दे जो हैं उन्हीं को लेकर मैं जाना चाहूँगा क्योंकि जनता के स्थानीय मुद्दों को उठाना ज़्यादा जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मुद्दे कुछ और हैं, बदले कहीं और जा रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दे जो हैं उन्हीं पर, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, कोरोना में क्या हाल हुआ तो सबको पता ही है। तो ये सब समस्याएं हैं जिनको लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जो है आप बदलाव करिए ताकि ये व्यवस्थाएँ ठीक हों। युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को पढ़ाई शिक्षा उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, नया अच्छे इंटर कॉलेज खोले जाएं, व्यावसायिक कॉलेजेस खोले जाएं, वो सब हो और उसके बाद उनको रोजगार की व्यवस्था मिले।